अगर आपका हेडलाइट बहुत पावर कम होता है, रात को आप देख नहीं पाते हैं, तो ज़रूर ये वीडियो देखिए। इसमें दिखाएंगे एलईडी हेडलैम्प इंस्टॉल करना और एसी से डीसी करना। अगर ऐसा करते हैं तो आपका 100% हेडलाइट का पावर बढ़ जाएगा। तो पूरा वीडियो देखते जाइए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प MK। आज आपको दिखाएंगे एलईडी हेडलाइट बल्ब इंस्टॉल करना। इसमें हेलोजिन हेडलाइट बल्ब है, इसमें एलईडी हेडलाइट बल्ब लगाएंगे। डीसी में करेंगे, इसमें एसी में था, डीसी में करेंगे। डीसी में क्यों करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। डीसी में इसीलिए करेंगे, अब अगर आपका गाड़ी थोड़ा सा पुराना हो गया तो जब भी आप एक्सेलेटर लो करते हैं तो पावर कम हो जाता है, दिखाई नहीं देता है रात को। एक्सेलेटर लो करने से पावर पूरा कम हो जाता है, तो इसीलिए डीसी करेंगे, एक्सेलेटर लो करेंगे, उसके बाद भी पावर सही रहेगा। तो चलिए सामने जो वॉइजर होता है वो खोल लेते हैं, दोनों तरफ 10 नंबर बोल्ट वो खोल लेंगे वॉइजर। उसके बाद हेडलाइट खोल लेते हैं, आपको दिखाते हैं कनेक्शन कैसे होगा, कौन सा बल्ब लगा रहे हैं और एसी से डीसी कैसे करेंगे आप, वो आज आपको दिखाएंगे एसी से डीसी करना। और आप देखिए ये हेडलाइट बोल्ट खोल लेते हैं, हेडलाइट निकाल लेते हैं, जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ये दोनों बोल्ट खोल के हेडलाइट निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे कनेक्शन आप करेंगे एसी से डीसी कैसे करेंगे। आप एसी से भी चला सकते हैं और डीसी से भी चला सकते हैं, तो आपको दिखाएंगे हम डीसी करना। और हीरो होंडा कोई भी मॉडल में आप कर सकते हैं, दूसरा मॉडल में भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हेलोजिन बल्ब लगा हुआ है, आपको एक बार दिखा देते हैं। और ये रिफ्लेक्टर हम चेंज करेंगे, ख़राब हो गया, अगर आपका सही है रिफ्लेक्टर तो आप चेंज मत करिए। तो देखिए ये हेलोजिन बल्ब, ये है हेलोजिन बल्ब लगा हुआ था, फिर भी इसमें पावर नहीं हो रहा था। तो चलिए आपको दिखाते हैं एलईडी हेडलाइट बल्ब। तो देखिए ये है एलईडी हेडलाइट बल्ब का बॉक्स, इसके अंदर बल्ब है। तो ऐसे एक बॉक्स आपको मिलेगा, इस बल्ब में हाई में मिलेगा 35 वाट, लो में मिलेगा 20 वाट। इसमें 70% पावर सेविंग होगा, 50% ब्राइटनेस बढ़ेगा, इसमें लिखा है देखिए। तो देखिए ऐसे एक पैकिंग करके आएगा, इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये कैसे लगाएंगे आप। तो ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं इसमें। तो देखिए ये है बल्ब, हेडलाइट बल्ब, एलईडी हेडलाइट बल्ब। इसमें 6 पीस एलईडी लगा हुआ है। इस बल्ब में एक पखा भी है, हीट ना हो पाए इसीलिए। देखिए होल्डर मिलेगा दो, ये एक होल्डर और ये एक स्प्रिंग और एक ये होल्डर। आपका जैसा रिफ्लेक्टर में होल्डर होगा वैसा आप लगा लीजिए, तो आपको लगा के दिखाएंगे। और एलईडी बल्ब में जो पखा है वो भी आपको चला के दिखाएंगे। हेडलाइट देने से ही वो घूमता है, हीट ना हो पाए इसीलिए। वो फैन लगा हुआ है बल्ब में। तो देखिए इस मॉडल में हम होल्डर सेट कर लेते हैं, रिफ्लेक्टर में जैसा ग्रुप है वैसा ही होल्डर हम लगा लेंगे। इस बल्ब के साथ 3 होल्डर मिलता है, 2 बॉक्स में है और 1 बल्ब में लगा हुआ है। वो आपको दिखा देते हैं कैसे ये होल्डर बल्ब में आप फिटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो लगा हुआ होल्डर है वो खोल लेंगे, स्क्रू स्क्रू खोल के आपको निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। स्क्रू खोल लीजिए और ऊपर का जो कवर होता है इस एलईडी बल्ब में लगा हुआ रहे तो वो फाइबर का कवर खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही ये होल्डर निकलेगा और जो नया लगाएंगे वो घुसेगा। जो होल्डर लगा हुआ है उसका स्क्रू खोल लेंगे, उसके बाद ये होल्डर निकल जाएगा और जो सेट होगा वो होल्डर लगा लेंगे। देखिए ये 3 ग्रुप वाला होल्डर बैठा लेंगे, इसको BH4 होल्डर भी कहता है। उसके बाद ये कवर जो खोले थे वो लगा लेंगे, ऊपर में जो फाइबर का कवर है वो सही से बैठा लेंगे, मतलब जिधर सेट होगा उधर सही से बैठा लेंगे। उसके बाद होल्डर का स्क्रू टाइट कर देते हैं। और ये बल्ब हमने खरीदा था अमेजोन से 550 रुपया में। अगर ये बल्ब आपको चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो स्क्रू टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको होल्डर में हेडलाइट होल्डर में फिटिंग करके दिखाते हैं। और इधर फैन रहता है, इधर आपको चला के दिखाएंगे, इधर घूमता है फैन, बल्ब हीट ना हो पाए इसीलिए। और ये बल्ब देख रहे हैं एलईडी बल्ब, 6 एलईडी बल्ब रहता है, इधर 3 और उधर 3, 6 आपका जलेगा जब शॉर्ट पर देंगे, जो लॉन्ग और शॉर्ट होता है हाई लो। तो लॉन्ग पर 6 जलेगा और शॉर्ट पर 3 जलेगा, ठीक है, आपको जला के दिखाएंगे। तो इसमें सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको हेडलाइट फिटिंग करके जला के दिखाते हैं। ये जो तार का क्लिप होता है वो नॉर्मली लग जाएगा, इसमें जैसे आपका पुराना बल्ब लगा हुआ था हेलोजिन वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए लग गया, बैठ गया, देखिए
उसके बाद इसका जो कैप होता है डस्ट कैप वो लगा लेंगे, पानी धुला ना जा पाए इसीलिए जो धुला वुला होता है ये कैप लगा लेंगे। देखिए ये कैप लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो कैप रहता है वो उल्टा कर लेना होगा उसका, देखिए ऐसे। उसके बाद बैठा दीजिए, ठीक है, वो आराम से बैठ जाएगा, दबने से ही बैठ जाएगा। रबर में जो डस्ट कैप में ऊपर होल है वो रहने दीजिए हवा आने के लिए, पंखा चलेगा तो हवा उधर से आता है, ठीक है। इसके बाद हेडलाइट के पास में जो साइड लैम्प होता है वो भी एलईडी बल्ब लगा लेंगे। एलईडी बल्ब लगाने से होगा क्या, बैटरी का पावर कम खर्च होगा, ठीक है, तो ये भी एलईडी बल्ब लगा लेते हैं। उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाएंगे कैसे एसी से डीसी करेंगे, तो चलिए एसी से डीसी कनेक्शन आपको दिखाते हैं। देखिए कनेक्शन करेंगे, ये जो इग्निशन का स्विच है उसका जैक है, ये मतलब चाबी का जो जैक है ये है, उसमें क्या होता है 12 वोल्ट करंट बैटरी से डायरेक्ट आता है, तो इसमें एक ब्लैक वायर रहता है। ब्लैक वायर में क्या होता है, वो चाबी ऑफ करने से करंट ऑफ हो जाता है और चाबी ऑन करने से करंट देता है। इस मॉडल में ये ब्लैक वायर ऐसा काम कर रहा है, आपका कोई दूसरा मॉडल है तो वो पहले आप चेक कर लीजिए उसके बाद लगाइए। दूसरा कलर भी हो सकता है दूसरा मॉडल में, तो पहले आप चेक कर लीजिए, एक 12 वोल्ट बल्ब दे के टच करिए, जो इग्निशन चाबी ऑन करने से जलता है तो उसमें करंट आ रहा है, ऑफ करने से बंद होता है तो करंट बंद हो रहा है, तो ऐसे ही तार में आपको एक तार जोड़ लेना होगा। तो देखिए हमने ये चेक कर लिया 12 वोल्ट बल्ब दे के, जो साइड लैम्प था हेडलाइट का उसी बल्ब को हमने काम में लगाया, ठीक है, तो ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप जो वायरिंग से आता है और हेडलाइट स्विच में जाता है उसको आप ढूंढना होगा आपको, ठीक है। देखिए ये वायरिंग मैग्नेट से आता है, मैग्नेट से येलो वायर आता है उसको काट देंगे, जो स्विच के तरफ जाता है वो छोड़ेंगे, मैग्नेट के तरफ जो आता है मैग्नेट से वो काट के अलग कर देंगे, और जो स्विच के तरफ जाता है उसमें ये जोड़ देंगे। ये जो हमने तार निकला है ब्लैक वायर से उसको जोड़ देंगे, तो इस मॉडल में येलो वायर ही काम कर रहा है, तो येलो वायर में हम जोड़ दिया, जिसमें स्विच के तरफ जा रहा है उसमें जोड़ा है और जो मैग्नेट से आ रहा है उसको काट कर दिया। तो उसके बाद हेडलाइट जो होल्डर लगा हुआ था, देखिए पुराना वाला होल्डर, वो कनेक्शन खोल लेते हैं और कलर जो था सेम कलर है, कलर में मैच करके हम लगा देते हैं, व्हाइट में व्हाइट, ग्रीन में ग्रीन और ब्लू में ब्लू लगा देते हैं। अगर आपका कलर नहीं मिलता है तो इधर उधर करके आप देख सकते हैं, ठीक, इस बल्ब का कलर हमेशा मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये लगा दिया, उसके बाद हेडलाइट जला के आपको दिखाते हैं, तो देखिए चाबी ऑन किया, जल रहा है, डिपर भी हो रहा है, देखिए दोनों तरफ लॉन्ग शॉर्ट डिपर हो रहा है। लॉन्ग पर आपको 6 बल्ब जलेगा, 6 LED इसमें लगा हुआ है, 6 के 6 जलेगा, शॉर्ट पर 3 जलेगा, ठीक है। रात को आपको जला के देखा थे चला के, उसके बाद टेप दे दीजिए सही से, जहाँ पर आप काटे थे उसमें टेप लगा दीजिए, पूरा शॉर्ट ना हो पाए इसीलिए अच्छा से टेप दे दीजिए, ठीक है। दिखाते हैं आपको पंखा सही से काम कर रहा है या नहीं, देखिए हेडलाइट दिया हुआ है, पंखा घूम रहा है, ठीक से देखिए, देखिए बंद हो गया, फिर हेडलाइट दिया, पंखा घूम रहा है, अभी घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको हेडलाइट फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करके आपको हेडलाइट जला के दिखाते हैं, तो फिटिंग हो गया, उसके बाद आपको जला के दिखाते हैं। देखिए दिन पर भी कितना ब्राइटनेस है, वाइट है देखिए, और रात को भी आपको दिखाएंगे, तो देखिए कितना ब्राइटनेस है, वाइट है। उसके बाद रात को आपको दिखाते हैं, चलिए। और आप इसी तरह नया नया वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी YouTube में वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा, और बगल में बेल का आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आपको रात में जला के दिखा रहे हैं कितना वाइट है, ब्राइटनेस है, ठीक है। ये कम एक्सेलेटर पर है, अब इंजन चालू है, देख सकते हैं एक्सेलेटर कम पर भी ये व्हाइटनेस ज़्यादा है।